हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक नेगी व्लॉग चैनल में। जैसा कि मैं उत्तराखंड भ्रमण पे आया हुआ हूँ और इस वक्त मैं खड़ा हूँ टिहरी की हसीन वादियों में। आज हमारा टिहरी डैम जाने का प्लान है, मगर बारिश इतनी ख़तरनाक हो रही है, मौसम ऐसा हो रखा है कि आप देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि मौसम इस तरीके का भी हो सकता है। सी देख रहे हैं पीछे, चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप कोहरा, ये देखिए पूरा कोहरा, ये देखिए नीचे। अभी सुबह ही इतना अच्छा मौसम, इतना साफ था, और अभी देखिए कितनी धुंध हो रखी है। तो इस वक्त बज रही है सुबह की 10 और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं बारिश में क्या प्लान बनता है। अगर टिहरी डैम गया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए अभी 5 मिनट पहले मूसलाधार बारिश और कोहरा लगा हुआ था, और अब देखिए वो बादल है। अब देखिए मौसम साफ साफ हो गया है। ये देखो कोहरा, लेकिन अभी भी है यहाँ पे बादल। यही खूबसूरती है उत्तराखंड की दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं टिहरी लेक। दूर से आपको ये लेक दिख रही होगी। इस वक्त 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, फिलहाल एंट्री हमने कर चुकी है, और आप देख सकते हैं टिहरी लेक का नज़ारा। पार्किंग आपको दिख रही है वहाँ पे, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ टिहरी डैम के जस्ट बगल में। इतना अच्छा वेदर हो रखा है, पीछे आप देख सकते हैं पार्किंग, पहाड़ आप देखिए, ये देखिए। और मैं आपको दिखाता हूँ टिहरी डैम। तो यहाँ पे होती है बोटिंग, और इस वक्त बारिश थोड़ी थोड़ी देर में होती जा रही है। कई बार बोटिंग बंद हो जा रही है, कई बार स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए लेट्स सी, देखते हैं अभी बोटिंग होती है कि नहीं होती। और पहले हम चले गए थे जहाँ पे टिहरी डैम है वो उस तरफ, बट वहाँ पे गाड़ी वगैरह रोकना मना है, तो इसलिए हम बोटिंग वाले पार्ट पर आए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है ये पहाड़ों के बीच में, ये डैम। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ झील के बिल्कुल किनारे, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और दोस्तों ये है टिहरी डैम, एशिया का बिगेस्ट डैम है ये। और टिहरी डैम की हिस्ट्री आपको पता होगी, टिहरी नाम का एक गांव था जो कि इस डैम को बनाने के चक्कर में डुबा दिया गया है। 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये डैम, और लगभग 610 या 640 मीटर की इसकी गहराई है दोस्तों। और जब भी डैम का जो पानी का लेवल होता है वो कम होता है, तो जो टिहरी के राजा का राजमहल था उसके ऊपर की जो चोंच है, चोटी, वो डैम के ऊपर आ जाती है। और दोस्तों फिर से अचानक बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पे, अभी थोड़ी सी बंद हुई है, ठंड बहुत तेज़ी से लग रही है। तो ये है बोटिंग के रेड कार्ड, आप लोग जो भी यहाँ आए इसे देख लें। ये देखिए मौसम किस तरीके से ख़राब हो रखा है, फिर से बारिश हो गई। और इसी के साथ मौसम अप डाउन, बारिश धूप होते होते फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार स्पीड बोट में जाके आता हूँ। लेट्स सी, वैसे मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है, बट चलिए डर के आगे जीत है। और इसी के साथ स्पीड बोट की तरफ बढ़ते हुए, वो देखिए पैरासीलिंग का आनंद ले रहा है कोई वहाँ पे, इनमें से एक बोट पे हम जाता हूँ। और इसी के साथ हम लोग स्पीड बोट राइड के लिए रेडी है। एक राइड लेके इतनी तेज ओले गिरे हैं वहां पे, इतनी तेज बारिश हम देख सकते हैं, पूरा
ये हर तरफ से भीग चुका हूँ मैं, और अब मैं जा रहा हूँ चेंज करने के लिए वॉशरूम में, क्योंकि एक जोड़ी कपड़े मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ गाड़ी में। तो चलिए देखते हैं आगे। और देखिए फिर से धूप निकल आई है यहाँ पे दोस्तों, और ये देखिए ये है टिहरी डैम का नज़ारा। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ टिहरी डैम के जस्ट बगल में, एक तप्पड़ है और वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है लेक व्यू रिज़ॉर्ट, ये एकमात्र रिज़ॉर्ट है टिहरी डैम के आसपास। इसके कमरे 6,500-7,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, सीज़न टाइम पे भी अच्छा है। यहाँ से आपको सीधा टिहरी डैम का व्यू मिलेगा। मैं यहाँ पे बुक करके नहीं आया था, तो मैंने इनसे फ़ोन करके बात करी तो इन्होंने बोला सर ऑलरेडी फुल है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गई, बारिश नहीं हुई अब तक, और मैं बोटिंग करके आ चुका हूँ। कपड़े मेरे गीले हो चुके थे, मैंने चेंज कर लिए हैं, पैंट पूरी गीली हो चुकी थी, मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, कुछ खाऊंगा पीऊँगा, और उसके बाद यहाँ से आगे एक ब्रिज है जो लंदन ब्रिज के हिसाब से बनाया गया है। उस ब्रिज का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली वो ब्रिज रात में देखने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो लाइटें चेंज करता है, बट रात में मैं यहाँ आ नहीं पाऊँगा। तो चलते हैं, जब आए हैं तो दिन में देख के आते हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं डोबरा चाटी ब्रिज पे, जो कि लंदन ब्रिज की थीम पे बनाया गया है। यहाँ पे तो इस वक्त सब सुनसान दिख रहा है, चलिए आगे जाके देखते हैं। और ये देखिए ये है वो ब्रिज, इस वक्त हम इस ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं। ये देखिए ये है वो ब्रिज जो लंदन की थीम पे बनाया हुआ है, डोबरा चाटी। ये देखिए यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, ये रात को ये लाइट चेंज होती है, और हमारे होटल 15 किलोमीटर दूर से ये ब्रिज दिखता है रात में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये ब्रिज, वैसे बहुत बड़ा ब्रिज है, एक बार उस पार जाके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है वो ब्रिज, और ये है टिहरी डैम। यहाँ पे आने का मज़ा रात को है जब यहाँ पे लाइटिंग होगी, ये लाइट्स लगी हुई है इसमें। तो इस वक्त यहाँ पे आके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, चारों तरफ सुनसान हो रखा है, एक आदमी भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक भी दुकान खुली नहीं है। मुझे लगा मैं लंच करूँगा यहाँ पे, बट कुछ भी नहीं है, सब कुछ सुनसान खाली। तो बिजली कड़क रही है, बरसात भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बूंदाबांदी हो रही है। तो इससे पहले आप देख सकते हैं 4 बज रही है दिन की, और अंधेरा किस तरीके का हो रखा है। तो इससे पहले थोड़ा और प्रॉब्लम हो मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने होटल की तरफ। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं फिर। तो ये है ब्रिज, मैं ब्रिज के उस पार जाके रिटर्न आ चुका हूँ, और ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ ब्रिज बहुत अच्छा है नो डाउट, बट इस वक्त आके कोई फ़ायदा नहीं है। रात को भी यहाँ पे मीन्स छोटे मोटे जो स्टॉल टाइप के लगते हैं वही है, वो भी कुछ ब्रिज के उस साइड है, कुछ ब्रिज के इस साइड है। तो ये था वो डोबरा चाटी का ब्रिज, ठीक है दिन के लिए इतना खास नहीं है, रात में कभी आएंगे मौका देख के। और इसी के साथ डोबरा चाटी से घूमते हुए टिहरी डैम का दर्शन करने के बाद अब हम फाइनली एंटर कर चुके हैं न्यू टिहरी, जहाँ हमारा होटल है, और आप देख सकते हैं सामने न्यू टिहरी आपको दिखता हुआ। इतनी बारिश, थोड़ी सी धूप, पूरे मिक्स मौसम का मजा लेने के बाद फाइनली अब हम चलते हैं अपने होटल। ये है टिहरी का मार्केट, कल रात को आए थे हम यहाँ पे, बट ये बंद हो चुका था 8:30-9 बजे के आसपास, अभी आया हूँ 6:30 बजे। तो आज पता चला बुधवार को ही बंद रहता है, बैड लक। और पूरा टिहरी शहर घूमने के बाद टिहरी लेक, बोटिंग, डोबरा चट्टी, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल, जहाँ से व्यू दिखता है, जहाँ से टिहरी झील भी दिखती है। तो गाइस बहुत अच्छा था टिहरी शहर।
आप लोग बड़े बड़े हिल स्टेशन जाते हैं, कभी टिहरी आइए, मसूरी, मनाली, ये सब जगह आप भूल जाएंगे, बहुत अच्छी जगह है ये। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।